हेलो बच्चों, हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है अपना काम स्वयं करें। तो बच्चों, अपना काम स्वयं करें मतलब हमें अपना काम खुद करना चाहिए। जैसे कि हम पानी पीते हैं तो पानी की गिलास को जहाँ से हम रखते हैं जूठे बर्तन वहां पे रख के आना चाहिए, जूतों को पॉलिश करनी चाहिए, अपने स्कूल बैग को अपने स्कूल बैग की अलमारी में रखना चाहिए। इस तरीके के छोटे छोटे काम करके हम हमारे माता पिता की मदद कर सकते हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए। तो बच्चों, चलो हम इस कहानी को पढ़ते हैं। गेहूं के एक खेत में एक चूहे ने बिल बना रखा था। वह उस बिल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहता था। तो बच्चों, चूहा था, उसने कहाँ बिल बना रखा था? गेहूं के खेत में। एक दिन चूहे के बच्चों ने बाजरा खाने की इच्छा जताई। चूहा बाजरा लेने दूसरे खेत में चले गए। उसी समय किसान अपने पुत्र के साथ वहां आया। गेहूं की फसल तैयार थी। वह अपने पुत्र से बोला, बेटा फसल तैयार हो गई है। तो पुत्र मिस क्या होता है? पुत्र मिस बेटा। अब एक दो दिन में इसे काटने का प्रबंध करना चाहिए। प्रबंध मतलब व्यवस्था करनी चाहिए। आपस में बात करके किसान और उसका पुत्र वहां से चले गए। लेकिन चूहे के बच्चों ने उनकी बात सुन ली और वे घबराने लगे। वे क्यों घबराने लगे? क्योंकि जो किसान और उसके बेटे थे वो आपस में बात कर रहे थे कि फसल तो पक गई है, अब हमें इसको काटनी है। तो और काटेंगे तो उनका जो घर था वो उस खेत के अंदर था। चूहा चूहिया बाजरा लेकर लौटे तो बच्चों ने उन्हें सारी बात बताई। पिताजी, अब यह खेत एक दो दिन में कटने वाला है, इसलिए शीघ्र मतलब जल्दी। शीघ्र मतलब क्या होता है बच्चों? जल्दी जल्दी ही किसी और स्थान पर रहने का प्रबंध करना चाहिए। स्थान मतलब जगह, जगह पर रहने का प्रबंध करना चाहिए। बच्चों की बात सुनकर चूहिया घबरा गई मतलब डर गई। लेकिन चूहा हंस कर बोला, बच्चों चिंता मत करो, यह खेत अभी नहीं कटेगा। और वास्तव में दो दिन बीतने के बाद भी खेत नहीं कटा। पर एक सप्ताह के बाद किसान अपने पुत्र के साथ फिर खेत पर आया। वह अपने पुत्र से बोला, अरे ये खेत अभी तक नहीं कटा। वो पुत्र से क्या बोलता है कि मैं तुम्हें दो दिन पहले बोल कर गया था, एक सप्ताह पहले, कि तुम्हें ये खेत काटना है, परंतु तुमने तो अभी तक ये खेत नहीं काटा। कल दो चार मजदूर भेजकर कटवा देना। आज चूहा चूहिया घर पर ही थे। चूहिया घबरा कर बोली, यहाँ से कहीं और चलते हैं। चूहा बोला, चिंता ना करो, यह खेत अभी नहीं कटेगा। चूहे ने क्या बोला कि चिंता नहीं करो, ये खेत अभी नहीं कटेगा। तीन चार दिन बाद किसान फिर खेत पर आया। आज वे पुत्र पर क्रोधित होते हुए, क्रोधित मतलब नाराज, क्रोधित मतलब नाराज, नाराज होते हुए बोला, तुमने यह खेत अभी तक नहीं कटवाया, सारी फसल खराब हो जा रही है। पुत्र बोला, पिताजी मजदूर नहीं मिले थे। किसान चिल्लाया, मजदूर नहीं मिले तो क्या? अगर मजदूर नहीं मिले तो क्या? कल हम और तुम इस खेत को काटेंगे। चूहे ने किसान और उसके पुत्र की बात सुनी और बोला, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, कल यह खेत अवश्य कटेगा। ऐसा उसने क्यों बोला था? क्योंकि किसान जो था पहले दूसरों पर निर्भर था कि पहले पुत्र तुम काटो फिर या मजदूर को बुला के लाओ। लेकिन
दूसरों पे काम करने से वो काम नहीं हुआ तो किसान ने कहा कल मैं खुद आके तुम्हारे साथ इस फसल को काटूंगा। चूहिया ने पूछा लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? चूहा बोला अब किसान और उसका पुत्र फसल को काटने के लिए दूसरों का सहारा नहीं ले रहे हैं। चूहा आसरा नहीं फसल की कटाई के लिए दूसरों का आसरा नहीं देखेंगे। चूहा चूहिया अपने बच्चों को लेकर उसी दिन वहां से दूसरी जगह चले गए। अगले दिन चूहे ने चूहिया और बच्चों को दिखाया कि किसान और उसका पुत्र स्वयं मतलब क्या होता है, खुद खेत काटने में लगे हुए हैं। इसी तरह बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपना काम हमें स्वयं करना चाहिए, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों ये कहानी पढ़ के आपको बहुत मजा आया होगा। अब हम चलते हैं शब्दार्थ की तरफ। शब्दार्थ वास्तव में असल में का मतलब होता है प्रबंध का मतलब इंतजाम, प्रबंध का मतलब इंतजाम। जताई जाहिर की स्वयं खुद या अपने आप। सप्ताह हफ्ता आश्रय का मतलब सहारा। अब हम चलते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। किसान ने पहली बार अपने पुत्र से क्या कहा? तो किसान ने पहली बार अपने पुत्र से क्या कहा था? किसान ने पहली बार अपने पुत्र से कहा कि पुत्र फसल पक गई है, अब हमें इसे काटना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? किसान ने कहा ने कहा पुत्र फसल पक गई है, अब इसे काट देना। दूसरा प्रश्न है, किसान की क्या बात सुनकर चूहा परिवार के साथ वहां से चला गया? किसान की क्या बात सुनकर चूहा परिवार के साथ वहां से चला गया। किसान की क्या बात सुनकर चूहा परिवार के साथ वहां से चला गया। किसान ने कहा मजदूर नहीं मिले तो क्या। कल हम दोनों आकर फसल काटेंगे। प्रश्न नंबर 3, बच्चों ने चूहा चूहिया को बताया कि किसान आया था और उसने फसल काटने के लिए कहा। तो क्या लिखेंगे? बच्चों ने चूहा चूहिया को बताया
कि बच्चों ने चूहा चूहिया को बताया कि अब यह खेत कटने वाला है। अब ये खेत क्या है? कटने वाला है। हमें दूसरी जगह जाना चाहिए। प्रश्न उत्तर, अब हम प्रश्न नंबर चार बोलेंगे। चूहे ने बिल कहाँ बना रखा था? तो चूहे ने बिल गेहूं के खेत में बना रखा था। कहाँ बना रखा था? गेहूं के खेत में बना रखा था। चूहा चूहिया कहाँ गए थे? चूहा चूहिया दूसरे खेत में बाजरा लेने गए थे। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा ये प्रश्न उत्तर पूरा हो गया है। आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा। अब चलते हैं, रिक्त स्थान भरिए। नंबर एक, अपना काम ब्लैंक करना चाहिए, तो अपना काम स्वयं करना चाहिए। नंबर एक, स्वयं करना चाहिए, हमें अपने काम को खुद करना चाहिए। नंबर दो दिन बाद भी डेस नहीं कटा। क्या नहीं कटा? दो दिन बाद भी डेस नहीं कटा, खेत नहीं कटा। नंबर दो, खेत। चूहे के बच्चों ने डेस खाने की इच्छा जताई। क्या इच्छा जताई थी? बाजरा खाने की इच्छा जताई। चूहे ने डेस के खेत में बिल बना रखा था। किसके खेत में बना रखा था? नंबर चार, गेहूं के खेत में बिल बना रखा था। दो चार ब्लैंक भेजकर कटवा देना, तो दो चार क्या भेजकर? मजदूर। नंबर पांच, मजदूर भेजकर खेत को कटवा लेना। किसने कहा? किससे कहा? ये खेत नहीं कटेगा, ये खेत अभी नहीं कटेगा। किसने कहा था? ये खेत चूहे ने अपने बच्चों से कहा था। किसने कहा था? चूहे ने अपने बच्चों से कहा था कि ये खेत अभी नहीं कटेगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता? चूहे ने चूहे से कहा था कि अभी ये खेत नहीं कटेगा। बेटा, फसल तैयार हो गई है। किसने कहा था? किसान ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा फसल तैयार हो गई है। पिताजी,
अब ये खेत एक दो दिन में कटने वाला है। किसने कहा? बच्चों ने चूहे से, बच्चों ने चूहे से। विलोम शब्द लिखिए, व्याकरण एवं अभ्यास बोध। तो बच्चों विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा। देखिए सुख दुख हमारे लिए यहाँ सहायता बॉक्स दिया हुआ है, हम उसमें से देखकर इसके हमें आंसर उत्तर लिखने हैं। सुख दुख, अपना पराया, अपना पराया, अपना पराया। क्रोध, देखिए अपना नंबर दो पराया, एक दो तीन। क्रोध, क्रोध का क्या होता है? क्रोध मतलब गुस्सा, प्रसन्नता मतलब खुशी। तो क्रोध प्रसन्नता, प्र स आधा न पूरा न ता, प्रसन्नता। नंबर तीन, अब आगे है नंबर चार, नंबर पांच, नंबर छह। नहीं, नहीं का क्या होता है? हाँ। नंबर चार में क्या आएगा? नहीं हाँ, नहीं हाँ। दिन का रात, दिन का क्या होगा? रात। नंबर पांच, दिन रात। ठीक, ठीक का क्या होता है? गलत। ठीक गलत। इस तरीके से बच्चों ये हमारी अभ्यास, ये हमारी अभ्यास कार्य है, जो अभ्यास कार्य था जो मैंने आपको करा दिया है। अब आप ये सब अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा। इसी के साथ ये जो है सर्वनाम शब्द है, ये आप होमवर्क है, इसको आप घर पर पढ़िएगा। इसी के साथ हम कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।